आतंकवादी नहीं है जो हम ऐसा काम करें, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदू के धर्म में कभी ऐसा नहीं लिखा कि आप जंग पे जाइए या किसी दूसरे धर्म को मारिए, जो हमारे भगवानों को नहीं पूछता उनको मारिए। क्योंकि ये 56 इंच का सीना जो कहते हैं, ये तो मेरे को तो लगता है 56 इंच का पत्थर है, किसी पे भी गिर जाता है। कभी हमारी ऑक्सीजन की पाइपलाइन पे गिर गया था, लॉकडाउन में मजदूरों के सीने पे गिर गया था। देखिए, किसी रंग में इतना दम नहीं है जो हिंदुत्व को ललकारे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हिंदुत्व का असली रंग है शांति का है, प्रेम भाव का है। और इतना भगवा रंग के उसने पूरे गाने में बस 5 सेकंड में उसने भगवा रंग का कपड़ा पहना होगा, उस पर इतना विरोध किया जा रहा है। तो ये तो सरासर जो बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, ये तो उनके गलत काम है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं गलत था, लेकिन लगातार मनोज तिवारी है, रवि किशन है, इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, खुद मनोज तिवारी एक गाने में अपने साधु बन के एक अश्लील गाना गा रहे थे, रवि किशन के भी ऐसे ही गाने हैं। उनको कोई विरोध नहीं करता, उनका क्यों कोई विरोध नहीं करता? और पठान मूवी पे सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो इस टाइप में बनाए गए हैं, क्योंकि वो धर्म अलग है, हिंदुत्व का वो धर्म नहीं आ रहा है। तो मैं बीजेपी वालों को कहूँगी कि आप धर्म की बातें छोड़ें, देश पे ध्यान दें। आपका हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा पूरा हिंदुस्तान को देखें, आप सिर्फ धर्म के पीछे ना पड़ें। आप जाएंगे पठान मूवी देखने? देखिए, मैं बिल्कुल जाऊँगी पठान मूवी देखने। और मेरे को तो ये लग रहा है कि पठान मूवी हिट होगी, क्योंकि SRK के फॉलोअर देशों विदेश में फैले हुए हैं। और वो, मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, सिर्फ धर्म के पीछे ना पड़िए। लेकिन सवाल तो इस पे भी उठ रहा है, क्या ऐसी फिल्में बच्चों के साथ हम फैमिली अपने बच्चों के साथ देख सकती है? नहीं, सवाल तो इस पे भी। देखिए, फिल्म के तो बहुत कम है अभी। देखिए, फिल्म के एज ग्रुप लिखे होते हैं, अगर वो 11 इयर्स तक की होगी या 12 इयर्स तक की होगी तो मैं बिल्कुल देखने जाऊंगी, फिर वो सरकार के हिसाब से देखने जाएंगे। देखिए, लेकिन पठान मूवी में सिर्फ उसने एक गाना ऐसा बना है, उस पर भी गाने के खिलाफ विरोध नहीं हो रहा है। ये विरोध हो किसका रहा है? अभिनेत्री का हो रहा है, गाने का हो रहा है? भगवा कलर का, देखिए, भगवा कलर का अपमान किया है उस अभिनेत्री, नारंगी पहना है जी, केसरिया पहना है। तो इसपे मैं यही बात कहना चाहती हूँ, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ, इस्लाम, रंगों में भी बांट दिया ये जात पात का नाम। भाई, रंग तो रंग होते हैं, रंग में रंग, किसने कहा कि रंगों का भी अपना धर्म होता है? रंग तो प्रकृति की देन होते हैं। मगर भगवा रंग है ना जी, बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ। प्रज्ञा ठाकुर ने जो बोला वो आपको पता है कि हिंदुओं को घर में हथियार रख लेना चाहिए, वरना चाकू छुरी में धार लगा के रखनी चाहिए। देखिए, ये तो हम आतंकवादी नहीं है जो हम ऐसा काम करें, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुत्व के धर्म में कभी ऐसा नहीं लिखा कि आप जंग पे जाइए या किसी दूसरे धर्म को मारिए, जो हमारे भगवानों को नहीं पूछता उनको मारिए। तो हम हिंदू हैं, लेकिन हम ऐसे अहिंसा के सपोर्ट नहीं करते हैं। भगवाधारी हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, भगवा कपड़ों में रहती हैं लगातार, और उन्होंने पठान मूवी का भी विरोध किया और पुराने भी कई बयान ऐसे ही आए होंगे। देखिए, ऐसे ही लोग धर्म के पीछे अगर आतंकवादी बन रहे हैं, धर्म के आड़ में आतंकवादी बन रहे हैं, तो उन लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि आप धर्म पालन कीजिए। अगर आपको हिंदुत्व को असली तरह से नहीं जानते हैं, तो आप पढ़िए हिंदुत्व धर्म क्या होता है, राम को पढ़िए, शिव को पढ़िए, विष्णु को पढ़िए। धर्म के नाम पर ही तो वो जो भगवा रंग है वो धार्मिक जो है उनका प्रतीक है, भगवा रंग जो है धार्मिक प्रतीक है, उससे आहत हो रही है भावनाएं। देखिए, तो कह रहे हैं वो लोग, देखिए कपड़े उन्होंने पहने हैं, इस पे विरोध करना मुझे तो सही नहीं लगता है, क्योंकि अभिनेत्री है, कला दिखाएंगी, कलाकार कला ही तो दिखाएंगे, और कपड़ों का विरोध हो रहा है। ऐसे तो मैंने बोला मनोज तिवारी का विरोध क्यों नहीं होता? कंगना रनौत को देख लीजिए आप, जो कहती हैं 2014 में आज़ादी मिली है, उन्होंने कैसे कैसे कपड़े पहने हैं, उन्होंने भी कितनी अश्लीलता फैलाई है। उनकी एक लॉकअप मूवी थी, उसमें भी उन्होंने भगवे रंग का कपड़ा पहन रखा था एक आदमी ने, उस पर विरोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि कंगना रनौत के सारे फैन है, योगी जी ने तो खुद कहा है कि मैं कंगना रनौत की मूवी देखता हूँ। तो दीपिका का ही क्यों इतना विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, दीपिका का विरोध तो अभी न्यूज पे कहीं चल नहीं रहा है, शाहरुख खान का ही विरोध चल रहा है हर जगह, जितना मैं न्यूज पे बताया जा रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग से आ रही है दीपिका। देखिए, ये सब भ्रम फैलाने की बातें हैं, दीपिका पादुकोण खुद हिंदुस्तानी है, वो जानती है कैसे, और कलाकार कला नहीं दिखाएगा तो फिर वो क्या करेगा, राजनीति तो नहीं करेगा वो। भाई जो शाहरुख खान का एक बयान है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। देखिए, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति चल कैसी रही है, धर्म के पीछे पूरी राजनीति चल रही है। या हिंदू मुसलमान कराते हैं, वो अपना वोट ले लेते हैं हिंदुओं का,
बस अब ये मोदी जी ने कहा था एक बारी कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी, आप, हमने आपका 56 इंच का सीना देख लिया है, अब आप, आपका झोले में इतनी सारी चीज़ें चली गई हैं, रेल, भेल, तेल, सारी जहाज, एयरपोर्ट सब चला गया है। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी, आप अपना झोला उठा के ले जाइए, और जाते वक्त झोले की हम लोग चेकिंग भी करेंगे कि क्या क्या इस झोले में समा के जा रहा है। लगातार राहुल गांधी पे सवाल उठ रहे हैं, उनकी टी शर्ट पे सवाल उठ रहे हैं कि इतनी तीन डिग्री है यहाँ का तापमान दिल्ली का, लेकिन टी शर्ट और नंगे पैर में है। देखिए, वो उनका अपना बॉडी का सिस्टम है, वो तो उस पर हम नहीं कह सकती, लेकिन वो कपड़े पहन रहे हैं, वो चप्पल पहने उनसे देश को क्या फर्क पड़ता है, वो जूते पहने, वो कैसी टी शर्ट पहने, कितनी महंगी टी शर्ट पहने, उससे देश का क्या फायदा हो रहा है या देश का क्या भला हो रहा है। कोरोना के निकले हैं, कोरोना के रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोरोना आ चुका है और रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उन्हें रोकनी पड़ेगी, नहीं तो कोरोना फैला रहे हैं। देखिए, मोदी जी किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को रोक के मानेंगे। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी अभी क्या लगता है कितना भारत जोड़ सकते हैं राहुल गांधी? देखिए, अभी आधा हिंदुस्तान तो उन्होंने पार ही कर लिया है, तो अब देख रहे हैं राहुल गांधी का भी एक नाम भारी सा लगने लगा है कि एक रेपुटेशन आ गई है उनके नाम में भी, और नाम लग रहा है उनका, अब देखते हैं मोदी जी कितना टिकते हैं उनके आगे। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत ना जोड़ के अपनी छवि सुधार रहे हैं केवल। देखिए, अपनी छवि सुधारेंगे तभी तो लोग पसंद करेंगे ना। अच्छा, तो क्या लगता है 2024 में? अब देखिए, देखते हैं फिर, वो राजनीति है, इस पे तो कुछ कह नहीं सकते, किसी का भी पलड़ा कब भी भारी हो सकता है, वो देखते हैं, राजनीति की बात है। पहले लगातार एक सवाल उठता था, मोदी नहीं तो कौन? देखिए, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं होगा तो मैं तो कहती हूँ मोदी है तो मुश्किल है, लेकिन अब मुमकिन देखते हैं, अगर 2024 में कुछ मुमकिन ही आएगा जो आएगा, क्योंकि ये 56 इंच का सीना जो कहते हैं, ये तो मेरे को तो लगता है 56 इंच का पत्थर है, किसी पे भी गिर जाता है, कभी हमारी ऑक्सीजन की पाइपलाइन पे गिर गया था, लॉकडाउन में मजदूरों के सीने पे गिर गया था, और ये तो पत्थर ही है, इसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, एक पत्थर भी छन्नी हथौड़ा से टूट जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इस पत्थर को तोड़ के मारें। क्या लगता है, दिल्ली राजधानी है यहाँ, और राहुल गांधी बड़े नेता हैं एक कांग्रेस के, उनकी सुरक्षा में चूक हुई है दिल्ली में? देखिए, उस पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि क्या पता सुरक्षा में चूक हुई हो, क्योंकि नेताओं का मैं भरोसा अभी बिल्कुल नहीं करती हूँ जब से ऐसी पार्टियां आने लगी हैं, लेकिन हाँ, अगर उनकी सुरक्षा में चूक हुई है तो ध्यान देना चाहिए दिल्ली सरकार को। मतलब क्या है आपका? देखिए, वो तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन हाँ, मैं मोटा भाई छोटा भाई की बात कर रही हूँ, जो अभी गुंडागर्दी कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी कर ही रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम की बात बहुत आगे आती है, विकास की बात कहीं नहीं आती है। देश में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। इस चीज़ पर सिर्फ एक ही पार्टी ने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने। शिक्षा के लिए भी उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे अस्पताल बनाए हैं, और रोज़गार तो अभी देने की बात कर ही रहे हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करती हूँ, देखते हैं। शायद स्कूल मॉडल तो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, उनका स्विमिंग पूल में तो कुछ भी नहीं है, और एक दो स्कूल। देखिए, सर्दियों में स्विमिंग पूल खुलते नहीं है। सर्दियों की मैं बात नहीं कर रही, एक दो स्कूल का ही अभी जो आंकड़े आए, एक दो स्कूल ही जो है उन्होंने ठीक किए, बाकी सबका ढांचा खराब है। देखिए, दिल्ली इंडिया के 10 स्कूलों में से 5 स्कूल हमारे दिल्ली के आए हैं, टॉप 10 स्कूल में से 5 स्कूल हमारे इंडिया के दिल्ली के हैं, फिर तो बात है ना, कुछ दम तो है विश्व में, तो दिल्ली का डंका बज रहा है। ट्रंप की जब बीवी इंडिया आती हैं तो आगरा का ताजमहल देखने से पहले वो हमारा हैप्पीनेस करिकुलम देखने आती हैं, फिर तो कोई बात तो है ना। स्कूलों में साइंस साइड नहीं है, बच्चों को साइंस साइड लेना है, साइंस साइड है ही नहीं, आज पढ़ाया जा रहा है। देखिए, फिर वो स्कूलों का भी देखते हैं ना हम लोग, बच्चे किस लेवल के आ रहे, लेकिन आप एक्सीलेंस स्कूल में जाइए, वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा शिक्षा मॉडल लेवल के आ रहे हैं, उससे क्या मतलब है? देखिए, कई बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, कई स्कूल ऐसे होते हैं, जो इलाका ऐसा नहीं होता है, मैं बच्चों की गलती नहीं वहाँ कह रही हूँ, सरकार की गलती है, लेकिन वो मैं चाहती हूँ कि वो उसमें सुधार करें। मैं 2 साल खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में। मेरी एज 10 साल है। और आप मोदी जी से इतना खफा है? देखिए, मैं उनसे खफा नहीं हूँ, मैं उनके काम से खफा हूँ। कौन काम से खफा है? देखिए, GST में उन्होंने व्यापारियों को मार दिया, नोटबंदी में उन्होंने कितनी लोगों की शादियां थी वो टूट गई, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, है ना। लॉकडाउन आया तो मजदूर कितने ट्रेन की पटरी पे मर गए,
तो इन सब चीज़ों से मैं खफा हूँ और सबसे ज़्यादा मैं दुखी इस बात से हूँ जब से मोदी जी की सरकार आई है, वो लोग सिर्फ हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? अच्छा। क्या मुसलमान हमारे देश के लोग नहीं है क्या? आप अगर प्रधानमंत्री हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि ये हिंदुस्तानी हैं। मैं इनका हिंदुस्तानी का एक प्रधानमंत्री हूँ हिंदुस्तान का, मैं उस तरह से सपोर्ट करूँगा। ये नहीं कि ये हिंदू है इसलिए इनका राम मंदिर बना दिया। केवल हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं लेकिन सबको साथ जोड़ने की बात करते हैं ना। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो उसमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं है ना, सबका साथ है। देखिए नारे तो ऐसे उनके, मैं तो कहती हूँ उनके तो जुमले होते हैं, कौन भरोसा कर सकता है उनके बात। अच्छा, देखा नहीं आपने मस्जिद में जाते हैं मंदिर में जाते हैं? देखिए वो मस्जिद गए थे, उन्होंने वहाँ के पीर उनको टोपी पहना रहे थे, उन्होंने टोपी नहीं पहनी, क्यों? इसका जवाब दीजिए मुझे कोई देगा? अगर हिंदू, अगर आप एक मंदिर बनाइए, मैं उससे दुखी नहीं हूँ कि आप मंदिर बना रहे हैं, आप राम मंदिर, क्या पता आगे जाके आप थोड़ा सा मस्जिद बना दीजिए। मस्जिद बनाने में क्या दिक्कत हो रही थी आपको? जमीनें इतनी हैं, हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश तो नहीं है, बहुत बड़ा देश है, उसमें एक मस्जिद बना देते आप, उसका उद्घाटन कर देते। कभी मैंने मोदी जी को नहीं देखा कि वो किसी स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, किसी अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं, चले जाते हैं। उनका नारा सबका साथ सबका विकास नहीं है, उनका नारा है हम दो हमारे दो, हम अपने दो का वो पेट भरते रहते हैं और उनसे ही काम कराते रहते हैं। आपने देखा नहीं यूपी में मोदी सरकार है लेकिन कहा जा रहा है कि जो मस्जिदें हैं जो मदरसे हैं उनमें जो गलत तरीके से पढ़ाया जाता है उन पे अब सुधार होगा, तो मुस्लिमों को भी तो बात कर रहे हैं ना। देखिए किसी की पढ़ाई को अगर वो बुरा कह रहे हैं, इस्लामिक धर्म में अभी तक मैं जितना जानती हूँ उतना तो उसमें ये नहीं लिखा कि आप इसको मारो आप उसको मारो, वो तो प्रेम के बजाय तहजीब है उनकी भाषाओं में। तो हर धर्म में पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी होती है। राहुल गांधी कश्मीर तक जाने की बात कर रहे हैं, कश्मीर वो इलाका है जो सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है। देखिए मैं राहुल गांधी जी का सपोर्ट करती हूँ इस बात पे, और मैं, मेरे को तो लग रहा है अगर कोरोना की बात आई तो राहुल गांधी जी अकेले निकल जाएंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म नहीं होगी। योगी जी राम मंदिर तो बनवा रहे हैं ना मैम, उनको तो दिक्कत नहीं ना उनसे, हिंदुओं को उनकी आहत नहीं हो रही? तो हिंदुओं को क्या मुश्किल होगी उससे? हिंदुओं का तो मंदिर बन रहा है ना, हिंदुओं को क्या तकलीफ? अगर मेरे लिए कोई चीज हो रही होगी और मैं ही थोड़ी ना खफा हो जाऊंगी, दूसरे लोग खफा होंगे ना उस चीज से। तो अच्छा अभी आपने कहा कि मोदी जी जो हैं वो सिर्फ हिंदुओं के लिए करते हैं, उनसे नफरत है मुसलमानों से या बाकी धर्मों से, आप कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए करते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं सबके लिए करना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन आपको कौन सा ऐसा उनका काम लगा जो आपको लगता है कि वो उनसे नफरत फैल रही है? देखिए सबसे बड़ा तो ये राम मंदिर बना रहे हैं, इससे नफरत फैल रही है? नहीं, नफरत नहीं फैल रही है। अगर वो राम मंदिर बना रहे हैं तो उन्हें किसी मस्जिद भी बनाना चाहिए, किसी चर्च को भी बनाना चाहिए और किसी हमारे जाना चाहिए और बनाना भी चाहिए ऐसी चीजों को, ठीक है? सिर्फ आप राम मंदिर बना रहे हैं उससे हिंदुत्व को ही फैल रहा है पूरे देश। कभी भी वो नारा देते हैं तो ये बात नहीं करते हैं कि मैं इतना विकास करूंगा आगे ये करूंगा, या तो दूसरी पार्टियों का विरोध करेंगे या जय श्री राम करेंगे। अच्छा, मंदिर मस्जिद बनाना बहुत जरूरी है या विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटीज बनाना? मैंने बोला ना तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंने आज तक मोदी जी को यही करते हुए नहीं देखा। कभी वो रोजगार की बात नहीं करते, कभी शिक्षा की बात नहीं करते, कभी स्वास्थ्य की बात नहीं करते, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। और मैं तो, आपने सही, बड़ा मुद्दा है ना इसलिए धर्म की बात करते हैं। देखिए धर्म बड़ा मुद्दा नहीं है, इन लोगों ने, हम लोगों की गलती है कि हम लोग इन लोगों को धर्म का मुद्दा बड़ा बनाने के दे रहे हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी थी तब तक तो धर्म का मुद्दा बड़ा नहीं आया, वो उन लोगों ने तो कभी धर्म की बात नहीं छेड़ी। इसी पार्टी में ऐसा क्यों हो रहा है?